ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं बनने तथा हेराफेरी का आरोप लगाकर भोजपुर में राजद कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर दिया। इस दौरान करीबन 1 किलोमीटर तक सड़क जाम बना रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी राजद कार्यकर्ताओं को समझाकर जाम हटवाया। आपको बताते चलें, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहां महागठबंधन ने 110 सीट लाया है, वहीं एनडीए ने 125 लेकर अपनी सरकार बनाने में लगी है। महागठबंधन ने करीबन 10 से 15 सीट पर हेराफेरी का आरोप लगाते हुए जांच की मांग किया। इस बात को जैसे ही कार्यकर्ताओं के पास बात पहुंचा, कार्यकर्ता उग्र हो गए तथा सड़क जाम कर प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम के अलावा आगजनी भी की है। आपको बता दें कि जगदीशपुर और संदेश से महागठबंधन की जीत हासिल हुई है, इसे के बावजूद भी ये सारे कार्यकर्ताओं ने और स्थलों पर हुए हेराफेरी की मांग कर रहे हैं। ये बताना चाहते हैं, करीब 15-20 सीट ऐसा है जिसमें भाजपा और जदयू ने मिलकर करीब 200-300 वोटों के मार्जिन, 1000 के अंदर का, 500 से अंदर के वोटों के मार्जिन के अंदर से जानबूझकर ईवीएम दो चार सीट इधर उधर कर उनका सरकार था, उनके मंत्री थे, ये लोग आपस में इधर उधर कर जानबूझकर हराया गया। मेन उद्देश्य क्या है आपका रोड जाम करने का? हमारा मेन उद्देश्य है कि कम से कम ये लोग 30 सीट जानबूझकर आरजेडी को हराए हैं, मतलब कि 40 सीट, 50 वोट, 100 वोट, 200 वोट, ये वोटों का अंतर हार नहीं था, ये हम लोग का जीत था, लेकिन उनका प्रशासन था, उनका अपना अति था, जैसे बैलेट पेपर हुआ उसमें कुछ रद्द किया गया, ये लोग जानबूझकर हरा है। सुनने में आया है कि 2-3 पिकअप माल, मतलब कि इधर से उधर गाड़ी में 2-4 ट्रक है समस्तीपुर में। नाम बता दीजिए। मेरा नाम मुकेश कुमार पड़ता है। मुकेश यादव? हाँ, मुकेश यादव। साल देख लिए सरकार चला, 15 साल में हम लोग महंगाई बहुत चरम सीमा पहुंच गया। ये नहीं है कि हम लोग कोई ये सरकार बनने से कोई आपत्ति है, आपत्ति नहीं है, आपत्ति है कि हम लोग चेंज करना चाहते हैं, थोड़ा हम लोग देखना चाहते हैं कि बदलाव क्या होता है, उसमें कुछ बेरोजगारी दूर होता है कि नहीं होता है। अगर बेरोजगारी दूर नहीं होगा तो फिर हम लोग इस सरकार को हटा देंगे। हम लोग चाहते हैं महागठबंधन को, अगर महागठबंधन 5 साल बढ़िया नहीं चलाएगी तो फिर उसको हम लोग चेंज कर देंगे। अभी रोड खींच लिया आप लोग जाम? हम लोग जाम किए हैं कि देखिए, हम लोग रोड इसलिए जाम किए हैं, हम लोग फुल बहुमत से जीत रहे हैं, ठीक। मेरा आरजेडी सरकार फुल बहुमत में था, उन लोगों का 22 से नीचे आंकड़ा कम नहीं आता था और हम लोगों का 10 से आगे नहीं बढ़ा, उनका 22 से नीचे नहीं आया, मेरा 10 से ऊपर नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा? उनको नीचे आना चाहिए, हम लोग को ऊपर जाना चाहिए, हम पूरा नीचे जाते हैं, पूरा ऊपर आते हैं। तो ये हमको लगता है कि 22 उनका ये फिक्स है कि मेरा सरकार बनाने के लिए 22 फिक्स है, उसके बाद जो होगा वो हम सरकार बना लेंगे। मांग क्या करते हैं? मांग करते हैं कि इसको जाँच किया जाए, बढ़िया से जाँच किया जाए। ये प्रजातंत्र देश है हमारा भारतवर्ष, ये राजतंत्र ये लोग बनाने का कोशिश कर रहे हैं हमारे नेता लोग, नेतागण। मोदी जी ठीक है, केंद्र में सही चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मोदी जी से कोई आपत्ति नहीं है, वो चलाए भाई। बिहार के चक्कर में क्यों पड़े भाई? बिहार में जो बढ़िया चला रहा है उसको आने दीजिए भाई, जो जनता खोज रहा है उसको आने दीजिए, जो बढ़िया चलाएगा उसको जनता चाह रहा है उसको आने दीजिए। लगता है कि तेजस्वी बढ़िया चलाएंगे या चिराग पासवान भी बेचारा है,
वो भी चलाएगा। समय नया युवा नेता है, उसको चलाने दीजिए भाई। आप 15 साल चला लीजिए, 20 साल चलाने के लिए आपका दिमाग काम करता है? नीतीश कुमार जी को बुजुर्ग हो गए, हमेशा आपका ही दिमाग काम करेगा।